हेलो गाइस, मैं हूँ तेज और आप देख रहे हैं यूनिक आइडियाज़। तो दोस्तों, बिग बिलियन सेल चल रही है और बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल की शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि इस पे जो मोबाइल कंपनियाँ और जो जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन है वहाँ पर बहुत ही अच्छे प्राइस पे और अच्छे डिस्काउंट पे मोबाइल फ़ोन आपको अवेलेबल हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस जो सेल के दौरान काफ़ी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि हम कौन सा मॉडल लें और कौन सा मॉडल ना रहे और किस मॉडल पे कितना डिस्काउंट है। अगर वो डिस्काउंट की तरफ जाते हैं तो वो उनको जो एडिशनल फीचर मिल रहे होते हैं उनसे वो कंपेयर करते हैं। अगर एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी उनसे रह जाती है स्पेसिफिकेशन के मामले में, और अगर स्पेसिफिकेशन को देखते हैं तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी चक्कर में वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम कौन सा मॉडल लें कौन सा ना लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आईफोन के दो पॉपुलर मॉडल हैं, एक आईफोन 11 है और एक आईफोन है XR। तो इनमें से आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए और उसकी प्राइस, उसकी स्पेसिफिकेशन, पूरी कन्फ्यूज़न आप इस वीडियो में दूर करूँगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम आईफोन 11 की। आईफोन 11 का जो अभी 64 GB का प्राइस चल रहा है वो है 48,000 का, और जो उसका 128 GB का प्राइस है वो है 51,250 का। अगर आपके पास HDFC का या SBI का कार्ड है तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल सकता है इस पे। और अगर iPhone XR की बात करें तो वो 38,000 का पड़ेगा 64 GB का। तो दोस्तों, इन दोनों मॉडल में से आपको जो अभी प्राइस मिल रहा है बहुत ही अच्छी कीमत और अच्छे डिस्काउंट पे जो प्राइस मिल रहे हैं, चाहे वो आप फ्लिपकार्ट से लो चाहे अमेजोन से लो, दोनों पे सेल चल रही है, दोनों पे तकरीबन सेम ही प्राइस है। तो कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हम iPhone 11 लें या iPhone XR लें। तो दोस्तों, आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने अपने यूसेज पे आपके डिपेंड करता है, अगर आपने फ़ोटोग्राफी के लिए फ़ोन लेना है, आपके मन में है कि मैं फ़ोटोग्राफी, मेरी प्रेफरेंस है, मैंने फ़ोटोग्राफी को मद्देनज़र रखते हुए फ़ोन अपना ख़रीदना है, तो मैं आपको क्लियरली रिकमेंड करूँगा कि आप iPhone 11 ही लें क्योंकि उसकी फ़ोटोग्राफी, उसका कैमरा iPhone XR से काफ़ी बेटर है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि iPhone XR का कैमरा बेकार है, उसका कैमरा भी बहुत अच्छा है। पर कंपेयर टू फोटोग्राफी, फोटोग्राफी अगर आपका शौक है, फोटोग्राफी को मद्देनज़र रखते हुए ही अपना फ़ोन लेना चाहते हो, तो प्लीज़ आप iPhone XR ही ख़रीदें। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसकी ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन सेम है। इसकी स्क्रीन साइज़ बिल्कुल सेम है iPhone XR और iPhone 11 का। इसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, इसका जो मेन कैमरा है, iPhone 11 के दो कैमरे हैं 12 12 मेगापिक्सल के, प्लस OIS का सपोर्ट है। और जहाँ XR की बात करें वहाँ पे उसका सिंगल कैमरा है। यहाँ पे हम बात करें प्रोसेसर की, तो iPhone XR का जो चिपसेट है वो है A12 का, और iPhone जो 11 का है उसका A13 का है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट उसका चिपसेट है वहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर iPhone 11 में दिए गए, जैसे कि कैमरा में नाइट मोड दिया गया है और उसका कैमरा इम्प्रूव किया है, लो लाइट में अच्छी पिक्चर देता है, नाइट मोड काफ़ी अच्छा है उसका, अल्ट्रा वाइड एंगल बहुत अच्छा है उसका, पोर्ट्रेट मोड उसका बहुत अच्छा है iPhone 11 का। और जहाँ पे XR की बात करी जाए, उसका जो फ्रंट कैमरा है वो 7 मेगापिक्सल का है। जहाँ पे iPhone 11 की बात की जाए वहाँ उसका कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। तो वहाँ आप iPhone 11 में फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और जहाँ आप iPhone XR की बात करें वहाँ 180 जो रेजोल्यूशन है उस पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जहाँ पे पोर्ट्रेट की बात किया जाए, जो iPhone XR का पोर्ट्रेट है वहाँ पे आप सिर्फ ह्यूमन इंसानों का ही पोर्ट्रेट ले सकते हो, अदरवाइज़ किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट का पोर्ट्रेट आप नहीं ले सकते, वो डिटेक्ट नहीं करेगा उसको। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही प्रोसेसिंग की गई है। तो मेन जो इसका जो प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू है पोर्ट्रेट का, और दूसरी इसकी प्रोसेसर की बात की जाए, जो उसका लेटेस्ट प्रोसेसर iPhone 11 का वो A13 पे है, वो A13 उससे कुछ काफ़ी बेटर है, चाहे उसकी बैटरी बैकअप की बात की जाए, चाहे उसकी प्रोसेसिंग की बात की जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ए जो iPhone XR का A12 चिपसेट है वो कमज़ोर है, वो भी काफ़ी पावरफुल है। डेली रूटीन में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, अगर आप दोनों को कंपेयर भी करोगे तो आपको बिल्कुल दोनों में डिफरेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी प्रेफरेंस फोटोग्राफी है तो प्लीज़ बिना सोचे iPhone 11 आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रेफरेंस फोटोग्राफी नहीं है, डेली रूटीन में आप नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हो, कभी कभार फोटो खींचते हो, तो iPhone 11 लें और 10,000 अपने सेव करें। 10,000 आप सेव करके आप एयरपोर्ट भी ले सकते हैं, अपने एप्पल की वॉच में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं या अपने सेव भी कर सकते हैं। तो
इन दोनों में से आई होप आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। अगर आपकी फोटोग्राफी प्रेफरेंस है, वीडियोग्राफी प्रेफरेंस है, तो आप आईफोन 11 की तरफ जा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल यूजेज हो और एप्पल का फ़ोन यूज़ करना चाहते हो, तो आईफोन XR लेके आप अपना डेली रूटीन में अपना आईफोन चला के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत ही काम आएगी, और आपको जो कन्फ्यूज़न थी आईफोन 11 और आईफोन XR में से कौन सा फ़ोन ले, वो भी आपकी दूर हुई होगी। और बिना आप कन्फ्यूज़ हुए बिग बिलियन सेल से आप अपना मनपसंद का फ़ोन खरीद सकोगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आपने मेरा जो दूसरा चैनल है हितेश कुमार लाइफ स्टाइल, अगर आपने विजिट नहीं किया तो प्लीज़ मेरा दूसरा चैनल ज़रूर विजिट करें, वहाँ भी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लॉग वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।